मेरे सामने ही है विश्वामित्री नदी और काफी नजारा देखने। ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्री नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हैं और शाम के समय में काफी मगरमच्छ किनारे आके रहते हैं। ये देखिए मगरमच्छ, दुनिया की सबसे तीसरी नदी है जो सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। पास बहुत खतरा होता है बिकॉज जब ये फ्लड कंडीशन में जाते हैं, मतलब बाढ़ ग्रसित हो जाती है, तब ये मगरमच्छ काफी निकल के वह जहाँ ह्यूमन लाइफ होती है ना वहाँ जाके अपना शरण ले लेते। दुनिया की ऐसी तीसरी नदी है जिसमें मगरमच्छ पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत इसमें मगरमच्छ हैं। दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की तीसरी नदी है। इसके आगे वाले पार्ट में लोहा लगा रहता है, मीन्स हार्ड रहता है, ताकि कोई भी आप गिरने पे या को आपके ऊपर कोई चीज गिरे तो पैर सेफ रहे। एक्चुअली मैं लाइफ की एक रियलिटी बताऊं, जब कोई भी चीज आप नया नया लेते हो ना, तो एक दो दिन या कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक आप उसका बहुत टेक केयर करते हो। मैंने आई थिंक इसी वीडियो में या पिछले वीडियो में आपसे जिक्र किया था विश्वामित्री नदी के बारे में, जो कि दुनिया की ऐसी तीसरी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। जो विश्वामित्री नदी है वह गुजरात स्टेट में पड़ती है, वडोदरा शहर में। ये एक नदी की एक खासियत है, यह शहर के बीचों बीच फ्लो करती है। इसकी जो डायरेक्शन है शहर के बीचों बीच है। हम मगरमच्छों का आतंक कुछ ज्यादा ही रहता है। ज्यादा दूर नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं रियलिटी बताऊं 5-6 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं उसी नदी से बार बार आता जाता था ऑटो से, बट मुझे पता ही नहीं था। पाम ट्री वहाँ हाँ कैसे है जी सर? प्लांटेशन का तो बहुत मन है, आए थे क्या करने, क्या लेने लगे। एक्चुअली ये लेने का प्लान नहीं था, बट दिमाग में आया। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे जस्ट बगल में ही लगभग 500-600 मीटर होगा विश्वामित्री नदी फ्लो करती है। और वह ये दिन है भाई साहब का जो कि बताए, मेरे सामने ही है विश्वामित्री नदी और काफी नजारा देखने। ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्री नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हैं और शाम के समय में काफी मगरमच्छ किनारे आके रहते हैं। अरे भाई साहब खुद देखे थे इसका, मैं फोटो अगर अभी मैं जा रहा हूँ देखने, अगर होगा तो मैं आपको रियलिटी में दिखा दूंगा, नहीं तो कभी ना कभी आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा ही। और इनके पास एक फोटो है, फोटो वीडियो दोनों है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो में एड करने के लिए। तो फाइनली ये है विश्वामित्री नदी, विश्वामित्री नदी इससे फ्लो करती है और ये बड़ोदरा के बीचों बीच शहर में फ्लो करती है। क्या यार, सूट भी नहीं करने दे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका विश्वामित्री नदी के ब्रिज पे चलते हुए। और ये मेन रोड है, ये सीधे स्टेशन चला जाता है और आप देख सकते हैं ये नदी है, ये नदी है और ये शहर के बीचों बीच होती है, इधर शहर उधर शहर, ये शहर के बीचों बीच ऐसे ही फ्लो करती है और काफी लंबी नदी है। लक रहेगा तो देखने को मिल जाएगा, नहीं तो कोई नहीं। अभी तो नजरें पूरी उसकी तलाश में है, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। भैया पता नहीं कहाँ बता रहे हैं, कहाँ पे है? वो नाला के बीच में है, वो कुछ नहीं दिखा रहा है वो। नदी काफी सूख गई है। ध्यान से देखो भाई साहब, वहाँ मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपके मुंडी दिख रही है ना ब्लैक कलर में, वही मगरमच्छ है वहाँ। अब इससे आई थिंक इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, यही मगरमच्छ जहाँ उसके पास छोटे छोटे बुलबुले छूट रहे हैं। ध्यान से देखिए, मगरमच्छ वहां से गायब हो गया, वहीं था, अब ब्लैक ब्लैक हट गया। देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा और आया, ध्यान से देखना भाई साहब। मगरमच्छ दुनिया की सबसे तीसरी नदी है जो सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब जूता संभाल के, नहीं तो गिर जाएगा ना, तो मगरमच्छ पान के जाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ, देखो भाई साहब वहाँ जा रहा है मगरमच्छ। चला यहाँ एक चीज है, बड़ोदरा शहर के बीच भी सिरे से गुजरती है ना, पास बहुत खतरा होता है बिकॉज जब ये फ्लड कंडीशन में जाते हैं, मतलब बाढ़ ग्रसित हो जाती है, तब ये मगरमच्छ काफी निकल के वह जहाँ ह्यूमन लाइफ होती है ना वहाँ जाके अपना शरण ले लेते हैं, बह के चले जाते हैं। वैसे माना जाता है कि आदमियों के बीच में मगरमच्छ जल्दी आते नहीं है, अगर चले भी जाते हैं इनके तो मनुष्य के लिए काफी हानिकारक होता है, काफी लोग ऐसा घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो अब तो साफ पता चल रहा है भाई साहब, अब साफ पता चल रहा है,
उधर भी होंगे, लेकिन जाना उचित नहीं है। और यह नदी ऐसे ही अब उस पार निकल जाती है, उस पार भी देखेंगे, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। हे गाइस, यह थी विश्वामित्री नदी की कहानी। जहाँ तक मेरे को पता था मैं वहाँ बताया, शायद मैं कुछ छूट रहा होगा जो कि इसकी हिस्ट्री में नहीं बता पा रहा हूँ। कैमरामैन सही है ना कैमरा? हाँ, सही, क्योंकि मैं देख रहा था आप मगरमच्छ में काफी। नहीं, नहीं, कैमरा तो गई है। ओ भाई साहब, मगरमच्छ अभी तो एक ही देखने को मिला था, लेकिन जो मेरे कैमरामैन है वो काफी दिन पहले आए थे तो उनको बहुत सारे मगरमच्छ किनारे देखने को मिले थे। डिपेंड करता है सिचुएशन, अगर गर्मी रहती ना बाहर निकलते, क्योंकि पानी हीट हो जाता है। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ इसकी कहानी क्या है। दुनिया की ऐसी तीसरी नदी है जिसमें मगरमच्छ पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत इसमें मगरमच्छ हैं। दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की तीसरी नदी है विश्वामित्री नदी, जो कि गुजरात स्टेट के बड़ोदरा शहर से, जो कि बीचों बीच शहर में फ्लो करती है। और बस यही ज्यादा कहानी थी। अब यहाँ से प्लान है कुछ खाने पीने का, और अच्छा है, लोग पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं। इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इधर लोग भी काफी लोग हैं, उधर भी काफी। अभी तो कम है भाई साहब, जब मगरमच्छ आ जाते हैं ना काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ साइड पे रहता है, सारे पूरे आके यहाँ बैठे रहते हैं, और अगल बगल जाना भी काफी खतरा है क्योंकि कहीं भी मगरमच्छ घुसे रहते हैं। ये भाई साहब वहां से नाला बह रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा वहाँ, जबकि वो नदी का पार्ट नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ नदी, बट नदी का पार्ट ही है। एक गटर का पानी आ रहा है, गटर के रास्ते से भाई जाते हैं सब लोग, मतलब सब लोग नहीं मगरमच्छ जाते हैं। Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. What's up guys, welcome back to new vlog and I hope आप सब अच्छे होंगे। ये जूता दिखाने का एक मेन रीजन था कि अभी ये जूता मैं कल ही इसको ऑर्डर किया था बहुत पहले, मेरे को डिलीवर्ड हुआ ये जूता, अच्छा लग रहा है, देख के बताना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हार्ड शूज चाहिए, एक ना एक जरूर चाहिए लाइफ में। और ये हार्ड शूज तब काम करता है जब आप मुंबई की लोकल ट्रेन पे चढ़ जाइए। भाई मुंबई की अगर लोकल ट्रेन पे आप लोग चढ़े होंगे, अगर इसको सेफ्टी शूज बोलते हैं, सेफ्टी शूज अगर कोई पहन के, इसको राइडिंग बूट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको राइड भी कर सकते हैं इस शूज को पहनकर। जिसको नहीं पता है सेफ्टी शूज क्या होता है, राइडिंग शूज क्या होता है, इसकी एक खासियत होती है, इसके आगे वाले पार्ट में लोहा लगा रहता है, मीन्स हार्ड रहता है, ताकि कोई भी आप गिरने पे या को आपके ऊपर कोई चीज गिरे तो पैर सेफ रहे। तो ये पूरा हार्ड है यहाँ से यहाँ तक, और बढ़िया है, अच्छा लगा, काफी मेरे को अच्छा लगा। इसका रिव्यू तो मैं 3-4 दिन पहनने के बाद बताऊंगा। सोचा कि इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाए, बट कुरियर इतना जल्दी जल्दी आ गया ना, फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया, जल्दी जल्दी खोल दिया उसको। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि जा रहा हूँ ऑफिस। भाई साहब आज घर में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है ना, उस खुशखबरी में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ड्यू टू ऑफिस वर्क जा रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, बट कोई नहीं, कभी और कभी आगे इन्वॉल्व होंगे। वो क्या चीज़ है वो आने के बाद ही आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ब्लॉग में सस्पेंस बना रहना चाहिए, ब्लॉग के लास्ट में पता चल जाएगा और वो चीज़ भी आपको दी जाएगा जब देखोगे ना, क्योंकि वाह रवि प्रताप सिंह क्या चीज़ है, क्या चीज़ तुमने दिखाई है, काफ़ी अच्छा ही है। तो उसको जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें। फिलहाल मेरे चैनल पे जो है सॉ इंट्रोड्यूस, मैंने रवि प्रताप सिंह, आप मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेंड उधर लाइफ स्टाइल यूट्यूब ब्लॉगर। बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और काफ़ी ऐसे मज़ेदार ब्लॉग आपको देखने को मिलते हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, कल तो धूप था, फिलहाल फ्रेंड सुबह सुबह बज गए हैं 10:05 और निकल दिए हैं अपने मंजिल की तरफ। एक्चुअली मैं लाइफ की एक रियलिटी बताऊं, जब कोई भी चीज़ आप नया नया लेते हो ना, तो एक दो दिन या कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक आप उसका बहुत टेक केयर करते हो। तो सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब मैं जूता पहना हो ना, ऐसा लग रहा है कहीं इस पर स्क्रैच ना लगे, कोई गंदगी ना लगे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था, सोचा कि आपसे बता दूँ, बुलाऊँ। ये रियलिटी है, जबकि ये सबके लाइफ में होता है बट कोई शेयर नहीं करता है, तो मैं आज लाइफ स्टाइल यूट्यूब ब्लॉगर मैं शेयर कर दिया।
एक्चुअली इसकी 7 दिन की रिप्लेसमेंट है, गारंटी वारंटी जो भी है। 7 दिन के पहले मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो उसको ऑफ रोड पे, एक बढ़िया रोड पे सारा टेस्टिंग कर रहा हूँ, वाटर पे सारा टेस्टिंग, जूता अच्छे से हो रहा है। अभी तो परफॉर्मेंस फिलहाल मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, मैं 5 में से 4 नंबर देना चाहूँगा, ज्यादा नंबर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को। Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.